नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद पाठ जाबिर हुसैन द्वारा रचित है। जाबिर हुसैन ने, यानी लेखक ने, इस पाठ में सालिम अली के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। सालिम अली एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको प्रकृति से बहुत प्रेम था। खास तौर पर बर्ड वाचर थे वो। बर्ड वाचर यानी पक्षियों की देखभाल करने वाले ऐसे इंसान थे वो, और प्रकृति से बहुत प्रेम था उन्हें। प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते थे, मतलब बहुत आकर्षित हो जाते थे। एक आम नज़र से देखना एक अलग बात है, जबकि प्रकृति को उसी की नज़र से देखने वाले इंसान थे सालिम अली। ऐसा ही बहुत कुछ आप पूरे पाठ में पढ़ने वाले हैं सालिम अली के बारे में। सालिम अली के बारे में पढ़ने से पहले, यानी पाठ को शुरू करने से पहले, आपको सांवले सपनों की याद का अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ का नाम का अर्थ क्या है कि लेखक जाबिर हुसैन कभी सालिम अली से मिले थे, लेकिन वो बहुत पहले मिले थे और बहुत टाइम हो चुका है उनको मिले हुए। तो उनकी बारे में यादें, यानी जो सालिम अली के बारे में यादें हैं, वो अब सपनों की तरह हैं उनके मन में, सपनों की तरह हैं, संजोए हुए हैं वो। लेकिन वो धीरे धीरे अब धुंधली हो गई हैं, बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है लेखक को। इसीलिए सांवले सपने कहा है उनको। तो वो सांवले सपनों की याद कर रहे हैं। वो सपने जो धुंधले हो चुके हैं, वो यादें जो धुंधली हो चुकी हैं, ऐसे उन यादों को वो याद करते हुए ये पूरा पाठ लिखते हैं। देखिए क्या कहते हैं। शुरुआत होती है इस पूरे पाठ, ये पूरे पाठ कह रहा हूँ, ये इस पाठ की जो शुरुआत होती है वो होती है सालिम अली की मृत्यु से। यानी जब उनकी मौत हो गई तो उनको शमशान घाट ले जाया जा रहा था अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए। तो उस समय क्या चीज़ें, क्या बातें बता रहे हैं लेखक, देखिए। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, हुजूम यानी भीड़, वो भीड़ जो चल रही है मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। मौत की खामोश वादियों की तरफ आगे की ओर अग्रसर, मतलब आगे की ओर बढ़ रही है। यानी एक ऐसी भीड़ जो सांवले सपनों की, सॉरी, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, कौन, सालिम अली, वो सवार होकर वो भीड़ को लिए हुए खामोश वादियों की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। कोई उन्हें रोक दे, कोई उन्हें टोक दे, ये चीजें संभव नहीं है अब। क्यों? क्योंकि अब उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, वो अब जा चुके हैं, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। इस हुजूम में, यानी इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अंतहीन बोझ मतलब उनका कभी अंत नहीं हुआ, इतने सफर उन्होंने किए हैं। यानी उन कभी यहाँ से कभी वहाँ घूमने वाले इंसान थे, प्रकृति को निहारने वाले इंसान थे, प्रकृति की देखभाल करने वाले इंसान थे सालिम अली। तो उनका अंतहीन सफर है, उनका बोझ उठाए वो चल रहे हैं आगे आगे। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। जितने भी उन्होंने सफर किए हैं जिंदगी में, उनमें यह सफर, कौन सा सफर, मृत्यु का। अब ये जो मौत, सॉरी, भीड़ जो जा रही है, ये जो सफर हो रहा है, ये बाकी सफर से भिन्न है, अलग है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। भीड़ आखिरी पलायन यानी आखिरी बार वो आगे बढ़ रहे हैं, आखिरी बार वो आगे जा रहे हैं। अब वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। प्रकृति में वो विलीन हो गए, यानी गुम हो गए, गायब हो गए, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। सालिम अली की तुलना एक वन पक्षी की तरह की है, जो ऐसा वन पक्षी जो प्रकृति में विलीन हो जाता है, गुम हो जाता है, ऐसे वन पक्षी के साथ तुलना करते हुए लेखक कहते हैं सालिम अली भी ऐसे ही है, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत, हरारत का मतलब होता है गर्मी या उष्णता, अपने जिंदगी की गर्मी को दे, गर्मी और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, मतलब कोई अपने दिल की धड़कन देकर, अपने जिस्म की गर्मी देकर भी सालिम अली को वापस लाना चाहे, तो उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी उस पक्षी के साथ जो तुलना की है, जो मर चुका है, अगर कोई उसको दिल की धड़कन देना चाहे या जिस्म की या शरीर की गर्मी देना चाहे, तो क्या वो जीवित हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। जिस तरह से वो जीवित नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही सालिम अली भी अब वापस नहीं आ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि
कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, मतलब पक्षियों को भी आदमी की नजर से देखते हैं, जबकि वो प्रकृति का हिस्सा हैं, उनको प्रकृति की नजर से ही देखना चाहिए, वो भी बड़े प्यारे हैं, उनसे भी प्रेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है मैक्सिमम यानी ज्यादातर। यह उनकी भूल है, ये उन आदमियों की भूल है जो ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों, आबशारों का मतलब बहता हुआ पानी, या जैसे नदियों में या झरनों में आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक होते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? अब इस लाइन का मतलब ध्यान से सुन लो कि ऐसा कोई आदमी होगा जो पक्षियों की आवाज को सुनकर, उनकी मधुर संगीत सुनकर अपने अंदर रोमांचित रोमांच सा महसूस करे या रोमांचित हो जाए? वो ऐसा इंसान बहुत कम होते हैं, उनमें से एक है सालिम अली। तो क्या ये तो एक प्रश्न पूछा है लेखक ने, क्या ऐसा कोई इंसान होगा? एहसास की ऐसी ही उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम, मिथक यानी पुराने, किसी पौराणिक, पौराणिक मतलब पुराने, पुराने का नाम है सालिम अली, मतलब जो ऐसा कर पाता है, ऐसे ऐसा कैसा जो अपने भीतर रोमांच सोता होता है। वैसे झरना, ये मैंने शायद बताया नहीं, सोता का मतलब झरना, झरने का फूटना महसूस कौन करेगा, कौन कर सकता है, ये सालिम अली जैसे कर पाए जो प्रकृति की यानी पक्षियों की आवाज की मधुर संगीत सुनकर अपने अंदर रोमांच का झरना फूटता हुआ महसूस करते थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो श्री कृष्ण के बारे में है कि श्री कृष्ण कभी यानी आज से हजारों साल पहले वृंदावन में अपनी लीला रची थी, यानी उन्होंने यमुना नदी पर स्नान किया था, ग्वालों के साथ वो घूमे थे, वनों में गए थे, गायें चराते थे, वो सब जो बातें श्री कृष्ण के बारे में हमने पढ़ी हैं वो सब बातें हुई हैं कभी वृंदावन में। तो क्या आज भी लोग जब जाते हैं वृंदावन में तो वो चीज़ें महसूस करते हैं कि यहाँ ये चीज़ें हुई होंगी या ये चीज़ें होती हैं, और ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद ही श्री कृष्ण आ जाएंगे यहाँ पर, यानी वहाँ के लोग या वहाँ पर जाने वाले लोग यानी वृंदावन जाने वाले लोग ऐसा महसूस करते हैं। ठीक वैसे ही सालिम अली भी हैं जो आज से कुछ वर्षों पहले वो काम वो करते हैं थे, यानी प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखते थे, प्रकृति की देखभाल करते थे, पक्षियों की देखभाल करते थे, तो सालिम अली की स्थिति भी वैसी ही है। तो अब हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखिए, पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, और शोक, शोक मतलब होता है चंचल, चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, कब यानी ये बार बार कब जो आया हुआ है मतलब आज से हजारों साल पहले हुआ था ये काम, और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छा में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा, मतलब वो यादें याद आने लगेंगी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सबके कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा यानी सलाह देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में, मिथकों की दुनिया यानी पुरानी कथाओं में, पुरानी कथाओं में इस सवाल का जवाब, कौन सी पुरानी कथा, ये जो कृष्ण की बात हुई थी ये पुरानी कथा ही है, पुराणों की कथा में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमजोर काया वाले, कमजोर काया मतलब कमजोर शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े दिन ही तो बचे थे, शती तक यानी 100 वर्षों तक, किसके 100 वर्ष, सालिम अली की उम्र को बस 100 वर्ष होने को ही थे, मतलब कुछ ही दिन बचे थे उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी, क्योंकि उनके उन्हें कैंसर हो गया था,
जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी उनकी नजर हमेशा अंत समय तक भी पक्षियों की नजर या पक्षियों की देखभाल में ही लगी रही। मौत भी, यानी उनका बूढ़ा शरीर भी, वो नजर उनसे नहीं छीन पाया, यानी पक्षियों की देखभाल उन्होंने कम कर दी हो, ऐसा नहीं हो पाया। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन, क्योंकि वो अक्सर दूरबीन लगाकर देखते थे पक्षियों को, तो उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, मतलब मौत के बाद ही तो दूरबीन हटी थी, उससे पहले तक तो वो दूरबीन से हमेशा निहारते थे पक्षियों को। उन जैसा बर्ड वाचर पक्षियों की देखभाल करने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। कभी एकांत क्षणों में वो बैठते थे तो बिना दूरबीन के भी बैठ जाते थे। दूर क्षितिज माने आसमान तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली, यानी क्षितिज का मतलब ऐसा ऐसी जगह जहां आसमान और जमीन आपस में मिल रहे हो, आप मैदान में खड़े हो, जब जब देखना दूर कहीं आसमान और जमीन एक हो रहे होंगे, उसे क्षितिज कहते हैं। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, मतलब प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेते हैं, प्रकृति की नजर प्रकृति की को उनके अनुसार नहीं ढलते। यानी अक्सर इंसान प्रकृति के अनुसार ढल जाता है, अपने शरीर को ढाल लेता है, सर्दी है तो उसके अनुसार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि अब बहुत ज्यादा सर्दी है या बहुत ज्यादा गर्मी है तो प्रकृति की वो देखभाल नहीं करते थे, तब भी वो उतनी ही देखभाल करते थे, मतलब साफ सा है कि वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हस्ती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी, हस्ती खेलती हुई रहस्य भरी दुनिया फैली हुई थी। यह दुनिया उन्होंने अपनी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमिना, यानी उनकी पत्नी का नाम है तहमिना, ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमिना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, केरल में एक वैली का नाम है साइलेंट साइलेंट वैली, को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। ये जो बातें आपने पढ़ी, इसका मतलब है कि एक कोलकाता की एक जगह का नाम है, सॉरी कोलकाता कह रहा हूँ, केरल की एक जगह का नाम है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली में बहुत से पक्षी रहते थे, प्रकृति का एक अनूठा सौंदर्य था वहाँ। तो वहाँ रेगिस्तान की हवाएं चल रही थी, गर्म हवा जो उस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही थी। वो नुकसान कितना बड़ा हो सकता था, ऐसा भविष्य जानकर सालिम अली प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, नाम था चौधरी चरण सिंह, नाम सुना होगा आपने, तो उस समय के प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने उनको बताया कि जो साइलेंट वैली है उसका जो पर्यावरण है वो खत्म हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा वहां पर। तो ऐसी ऐसी बातें बताई कि चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखिए, वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों, संभावित यानी जो हो सकता है खतरा, ऐसा खतरों का चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी उस प्रधानमंत्री की। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, यानी चौधरी चरण सिंह। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? मतलब कौन इनकी साइड लेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया DH लॉरेंस। DH लॉरेंस कौन है? DH लॉरेंस भी बहुत अच्छे बर्ड वाचर थे, वो पक्षियों की देखभाल करते थे, उन्हीं की तरह सालिम अली भी बने बाद में। तो DH लॉरेंस के बारे में क्या बताता है लेखक? DH लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी, DH लॉरेंस की पत्नी का नाम था फ्रीडा लॉरेंस, फ्रीडा लॉरेंस से
अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे, यानी बताए कि उनके पति कैसे थे, उनके व्यवहार के बारे में बहुत कुछ पूछा लोगों ने। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा दिया। देखो, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारे बातें जानती है। मतलब इतना प्रेम वो रखते थे किसी पक्षी से, वो ज्यादा बातें जानती होगी लॉरेंस के बारे में बजाय मुझसे, यानी उनकी पत्नी से। मुझसे भी ज्यादा जानती है, वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, शब्दों का जामा पहनाना मतलब शब्दों में बांधना, ये बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो ऐसा उन्होंने जवाब दिया। अब आपसे एक प्रश्न है कि मैंने इस पाठ के लेखक का नाम बताया था, अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितना ध्यान से आप सुन रहे थे या सुन रहे हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे, एक पहेली बने रहेंगे किसके, जटिल प्राणियों के लिए। जटिल प्राणी मतलब जो उनको समझ नहीं पाए, सालिम अली को जो जान नहीं पाए, उनके लिए वो हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से, अच्छा सालिम अली को शौक कैसे हुआ कि पक्षियों की देखभाल करनी चाहिए, ये इंटरेस्ट कब कब आया उनके मन में, ये घटना है। उन्होंने गुरैया को घायल कर दिया था, यानी उनकी एक बंदूक एयर गन थी, उन उससे वो घायल हो गई थी और तब से वो इतने चिंतित हो गए एक किसी भी पक्षी के लिए। और डिटेल में हम पढ़ ही लेते हैं डायरेक्ट। देखिए, बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। लॉरेंस की तरह ही वो नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप, यानी उसकी तरह छाया। किसकी तरह, किसकी छाया? लॉरेंस की तरह, लॉरेंस की छाया वो बन गए। कौन? सालिम अली। प्रश्न भी आएगा तो इसीलिए डिटेल में समझाया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, एक टापू नहीं बने, टापू होता है एक लिमिटेड क्षेत्र, यानी एक सीमित क्षेत्र होता है, एक छोटी सी जगह ही होती है जिसको आसानी से नापा जा सकता है। तो एक टापू बनने की बजाय वो अथाह सागर बनकर उभरे थे। कौन? सालिम अली। अथाह सागर मतलब जिसका कोई अंत ही ना हो, ऐसा सागर वो बन के उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी ययावरी, यायावरी, यायावरी होता है जो इधर उधर घूमने वाला सन्यासी, से वो परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। मतलब आज भी, हालांकि वो उनकी मृत्यु हो गई है, वो चले गए हैं, लेकिन जो उनको जानते हैं, जो ये जानते हैं कि वो अक्सर वो सफर पर निकलते हैं लंबे सफर के लिए, तो वो ऐसा ही सोचते हैं कि आज उनकी मौत नहीं है, वो एक सुराग में निकले हैं, पक्षियों के सुराग में, और बस अभी गली गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। वो जल्दी ही लौट आएंगे, ऐसा उन लोगों को लगता है जो उनको जानते हैं, जैसे लेखक खुद भी। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मतलब ऐसा मान लेते हैं कि वो अभी गए हुए हैं सफर के लिए, जब तक वो वापस नहीं आते। मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? इस तरह से कहकर लेखक सालिम अली को याद करता है। अगर आपको अपनी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, बहुत जल्द आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको अपनी क्लास से रिलेटेड जो वीडियो बन चुकी हैं वो वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्याकरण के टॉपिक्स देखने हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। और एक आखिरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको इस चैनल के वीडियो देखने को नहीं मिल रहे या कम मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए, आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। धन्यवाद।